फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा नाम है पूजा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले समर स्पेशल ड्रिंक आम पन्ना की रेसिपी, जो कि पीने में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और मज़ेदार होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 kg कच्चे आम लिए हैं, जिनका मैं ऊपर का हेड वाला हिस्सा जो होता है उसे कट कर लूँगी। और कुछ कुछ इसमें येल्लो कलर के भी आम हैं, जो कि बाहर से तो ठोस थे लेकिन अंदर से थोड़ा सा पके हुए थे, क्योंकि धूप में पक जाते हैं या काफ़ी दिन आप उनको रख दोगे तो भी पक जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, आप इनका भी आम पन्ना बना सकते हैं। आम पन्ना बहुत ही ज़्यादा टेस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है, जिससे कि गर्मी में लू नहीं लगती है। तो हम इन आम पन्ना को बनाने के लिए पहले 1/2 kg मैंने जो आम लिए थे उनको मैं कढ़ाई में रख दूँगी, और फिर इसमें मैं उतना पानी रखूँगी जितना कि हमारे आम आधे इसमें ढक जाए। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर ली है, और गैस ऑन करने के बाद मैंने कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी है और इसको ढक देंगे, और इसको हमें 10 से 15 मिनट तक हमें आम को उसमें बॉईल करना है। तो देख सकते हैं हमारे आम बॉईल हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुका है। तो आप इसको दबा के देख लीजिए, इस तरीके से अब हमारे जो आम थे वो एकदम पक्के तैयार है। तो इसका आम का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको ज़रूर कट करना, उससे क्या होता है थोड़ी सी खुजली खुजली सी हो जाती है ना, हाथ में भी और गले में भी, और ये फिर जो आम पन्ना बनाएंगे उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो आम को ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको बीच में इस तरह से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद जो बीच का गुठली वाला हिस्सा होता है उसे निकाल देंगे। अगर आम थोड़ा सा ठंडा होने देना, मेरे थोड़े से गर्म हो रहे थे, बाहर से तो लग रहे कि ठंडे हो गए लेकिन अंदर से गर्म थे। तो जब ठंडे हो जाएं उसके बाद इसको इस तरीके से छील करके और इसका जो अंदर का पल्प है उसको आपको निकाल के मिक्सी के जार में रख देना है। इसी तरीके से सारे आमों को निकाल निकाल के आपको जार में रखना है। निकाल के मिक्सी के जार में रख लिया। अब बारी आती है यहाँ पर ग्लास डेकोरेशन की। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर और नमक आधी आधी चम्मच दोनों लिया है, और उसको हम ग्लास को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लास के कॉर्नर में जो नींबू है उसको इस तरीके से लगा दिया है, जिससे कि मिर्ची और नमक दोनों इसमें चिपक जाएंगे। तो प्लेट में इस तरीके से इसको फैला लेंगे, और उसके बाद ग्लास को उल्टा करके इसमें इस तरीके से हम ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ग्लास है एकदम डेकोरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोनों ग्लासों को हम इसी तरीके से डेकोरेट करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ग्लास डेकोरेट हो चुके हैं। अब बारी आती है आम पन्ना बनाने की। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच यहाँ पर प्लेन सॉल्ट है, 7 से 8 चम्मच यहाँ पर चीनी लेंगे। चीनी और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 चम्मच चीनी रख दी है। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने क्रश्ड करी हुई काली मिर्च ली है, और 1 हैंडफुल मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है। पुदीना आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो इन सभी चीज़ को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके जो प्योरी थी बनके एकदम तैयार हो गई है। तो हमारा आम पन्ना यहाँ पर रेडी है। तो आप इसको कई दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, 10 से 15 दिन के लिए आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए। जब आपको बनाना हो तो आप उसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्लास में बर्फ़ रख दी थी, और इसमें 2-2 चम्मच हम यहाँ पर जो हमारा आम पन्ना की जो प्योरी थी उसको ऐड कर देंगे, और साथ ही क्रश करी हुई थोड़ी सी यहाँ पर पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला था। उसके बाद यहाँ पर जितना हो सके उतना इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि हमने बर्फ़ भी डाली है ना, बर्फ़ डालने से वो थोड़ा सा और जम जाता है। तो इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि मिक्स करते ही आपका जो आम पन्ना है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कट करा हुआ आम लिया था, उसको मैंने बीच में से इस तरीके से गोल कट कर लिया है, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और पुदीने की पत्ती से इसको अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। तो आपका आम पन्ना बनके बिल्कुल तैयार है। ये पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग फील होता है इसको पीने से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो इसमें खट्टा मीठा थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा हल्का सा जो उसमें मसाले का टेस्ट आता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है।
इसको मैंने एक जार में रख दिया था और इसको हम 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख लेंगे ना, तो ये स्टोर भी हो जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं यानी कि 6 महीने के लिए, तो आप इसको अच्छे से दोबारा पका सकते हैं चीनी के साथ, उसके बाद इसको आप 6 महीने तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आम पन्ना था बिल्कुल तैयार है, तो आप इसी तरीके से आम पन्ना बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।